महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के एक बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बड़ा पलटवार किया। एक जनसभा में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे को लेकर अभद्र टिप्पणी की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कथित तौर पर कहा कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार है। अब इस बयान को लेकर शिवसेना में रोष देखा जा रहा है। निरुपम ने एक्स पर लिखा कि शिवसेना यूबीटी की महिला सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र और कल्याण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि श्रीकांत के माथे पर लिखा है कि मेरा बाप गद्दार है। अगर उन्हें अपने बयान पर शब्दशः विश्वास है तो आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। क्यों? क्योंकि गद्दारी तो उनके पिता ने की थी बीजेपी से युति तोड़कर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के एक बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बड़ा पलटवार किया। एक जनसभा में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे को लेकर अभद्र टिप्पणी की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कथित तौर पर कहा कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार है। अब इस बयान को लेकर शिवसेना में रोष देखा जा रहा है। निरुपम ने एक्स पर लिखा कि शिवसेना यूबीटी की महिला सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र और कल्याण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि श्रीकांत के माथे पर लिखा है कि मेरा बाप गद्दार है। अगर उन्हें अपने बयान पर शब्दशः विश्वास है तो आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। क्यों? क्योंकि गद्दारी तो उनके पिता ने की थी बीजेपी से युति तोड़कर।